हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्पाइसी एजुकेशन। टुडेज वीडियो वी विल टॉकिंग अबाउट सैयद वंश। सैयद वंश के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सैयद वंश का शासनकाल है जो 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक रहा। फ्रेंड्स, ये हैं सैयद वंश के शासक, इनका ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पर एक बार दे देता हूँ। खिज़र खां का शासनकाल 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक रहा। उसके बाद मुबारक शाह 1421 ईस्वी से 1434 ईस्वी तक। उसके बाद मोहम्मद शाह 1434 ईस्वी से 1445 ईस्वी तक। उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1450 ईस्वी तक। तो दोस्तों, सैयद वंश का प्रथम शासक खिज़र खां था। खिज़र खां 1414 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा, उसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। खिज़र खां तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज़र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। खिज़र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र को कर भेजा करता था। 20 मई 1421 ईस्वी को खिज़र खां की मृत्यु के बाद मुबारक शाह दिल्ली का नया सुल्तान बना। मुबारक शाह ने खलीफा का स्वामित्व स्वीकार नहीं किया। सैयद सुल्तानों में मुबारक शाह सबसे योग्य शासक था। मुबारक ने यमुना नदी के तट पर मुबारकबाद नामक नया नगर बसाया। उसने तत्कालीन विद्वान यहीदा सरहिंदी को संरक्षण दिया, जिसने उसके समय के इतिहास मुबारक शाही का वर्णन किया लिखा था। जिस मुबारक शाह के बाद उसके भाई का पुत्र मोहम्मद बिन फरीद मोहम्मद शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मोहम्मद शाह की मृत्यु 1445 ईस्वी में हो गई। इसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली का नया सुल्तान बना। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। इसके बाद बहलोल लोदी ने सारी शक्ति अपने हाथों में ली तथा दिल्ली में नए राजवंश लोदी वंश की स्थापना की। तो फ्रेंड्स, ये थी सैयद वंश से रिलेटेड कुछ जानकारी जो इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ।